वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो बन रही है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इतनी भी देर नहीं होगी आपके सिलेबस को कंप्लीट ना किया जा सके। सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। अभी जो एक नया टॉपिक जो यहाँ पर आया हुआ है, वो नया टॉपिक भी कह सकते हैं उसको, और मुझे लगता है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। आपने कुछ बच्चों ने सुना भी होगा इसके बारे में। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सैम्पल क्वेश्चंस पर सीबीएसई के आते हैं, उसमें चीज़ें आजकल जो दी जा रही हैं उसमें, ठीक है, पिछले कुछ सालों से ये चीज़ उसमें दिख रही हैं। तो ये हो सकता है पॉसिबल कि आने वाले नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्जाम में, ये आपको कहीं ना कहीं उस पेपर में आपको मिल जाए। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, कुछ इसमें बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है टिपिकल चीज़ कि आपको चीज़ समझ में ना आए। इसको कुल मिला के दो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसी में आपको सारा का सारा लीनियर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। ये दावा तो गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। एक बार कोशिश करोगे समझ में आपको आएगा पूरी चीज़ें। पर मैंने जैसे मैं बोलता हूँ ना, कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया जाए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, टॉपिक का मतलब क्या है, क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर का मतलब कहीं भी लीनियर होता है ना, तो लीनियर का मतलब कि वन से रिलेटेड होता है। लीनियर का मतलब वन से रिलेटेड होता है कि वन होता है कुछ ना कुछ। कभी लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ते हो ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ते हो। चलो ना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बो पैक का नाम सुना होगा ना। कोई भी दो चीज़ है उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कोई दो चीज़ कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा ना, कोई सिंगल चीज़ का तो कॉम्बिनेशन होगा नहीं। दो चीज़ें होंगी तो कंबाइन होंगी। तो कौन सी दो चीज़ें यहाँ पर जो कंबाइन हो रही हैं, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, आपको क्वेश्चन तीन तरह के हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपको पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब समझो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। जैसे कि कोई भी आपको दो नंबर गिवन होगा, अभी तक जैसे आप एस सी एफ निकालते थे ना, सेम एग्जैक्ट भाई दो नंबर आपको गिवन होंगे, जिसका आप एस सी एफ भी यहाँ पे फाइंड आउट, जिसका आप एस सी एफ भी फाइंड आउट करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो दो नंबर जो भी आपको गिवन होंगे उसको मान लेंगे, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या है, बी है, मान लिया हमने ए और बी है। तो दो नंबर का जो एच सी एफ होगा उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करना है हमें। तो कैसे शो करेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन शो करने का मतलब ये होता है कि ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर होंगे। जो हमारा एस सी एफ निकालना होता था, दो नंबर देते थे ना एस सी एफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन के लेमा के थ्रू, तो यहाँ पर दो नंबर आपको गिवन होंगे, तो ए और बी कोई नंबर गिवन है, तो इसको हमें ऐसे तोड़ना है। तोड़ना क्या मतलब कि इसके साथ एक प्रोडक्ट में कोई नंबर एक्स आ जाएगा, इसके साथ प्रोडक्ट में कोई नंबर वाई आ जाएगा, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कि एक कांस्टेंट के साथ कोई प्रोडक्ट में एक्स होगा और दूसरे कांस्टेंट के साथ कोई प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, वाई, और दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब कि लीनियर कॉम्बिनेशन का जो फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई होता है। अभी आप इसको क्लियर समझ नहीं पा रहे होगे, जब मैं अभी एग्जैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा तो आप इसका मतलब समझ पाओगे व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज़, ठीक है। तो आओ मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, बस अभी के लिए समझो कि कोई भी आपको दो नंबर्स गिवन होगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करने का मतलब कि वो नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में उसको हमें ऐसे तोड़ना है कि वो एक्स और वाई के साथ प्रोडक्ट में आ जाए, ठीक है। ब्रेक क्या करना है, ब्रेक नहीं करना है, उसके साथ प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में कोई नंबर्स होने चाहिए। जो नंबर्स इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा उसको एक्स बोल देंगे, जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा उसको वाई बोल देंगे। दोनों के बीच में साइन क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तो हम देखेंगे उसको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा ए एक्स प्लस बी वाई है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, इसलिए लिख दे रहा हूँ ना कि ताकि इसको देखते रहना कि इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म है, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर जी पेश किया जाए, आ गया, चलो आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर देख के पढ़ देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ कि इफ द एस सी एफ ऑफ 210 and 55, कह रहा है कि 210 and 55 का जो एस सी एफ है, ठीक है, वो किस फॉर्म में गिवन है, इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 210 into 5। टेंशन नहीं लेने का एकदम, अभी देखो मैं लिख क्या रहा हूं उसको समझाता हूं मैं। 210 into 5 प्लस 55y। देखो यहां पर क्वेश्चन को,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो यहां पर देखो तुम्हें इस ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो HCF है, इन दोनों नंबर का जो HCF है उसको हम इस फॉर्म में अगर शो कर दें तो y की वैल्यू बताओ। अभी यहां तुमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा था, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए यहां पर दिख रहा है तुम्हें, बी यहां पर दिख रहा है, एक्स की जगह पे 5 आ गया है और y की जगह पर y है, y की जगह पे कोई नंबर होगा, ठीक है। यहां पर नंबर अभी गिवन नहीं, लेकिन नंबर कोई ना कोई होगा यहां पर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर y की वैल्यू केवल पूछ रहा है। अभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, देखोगे यहां पर x भी मिसिंग होगा, मतलब कि ये 5 लिखा ये भी मिसिंग होगा, और बोलेगा इस फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करो। यहां तुमसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, ऑलरेडी जो है इन दोनों के HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो कर दिया इसने, बस तुमसे y की वैल्यू पूछ रहा है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हमें पता है कि इन दोनों का जो HCF है वो इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया मतलब ये है कि इन दोनों का जो HCF होगा इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे और उसके इक्वल में वो HCF हम लिख देंगे। तो इन दोनों का HCF मैं यहाँ पर जल्दी से फाइंड आउट करता हूँ, और आई नो कि आप लोगों को HCF निकालना आ चुका होगा, तो मैं यहाँ पर इसको पहले लिख देता हूँ फिर आपको जल्दी से समझाता हूँ, चलते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने HCF फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आप सभी को आई होप कि HCF निकालने आता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं यहाँ पर और टाइम लूँ, बस इसको मैं एग्जैक्टली तुरंत आपको समझा देता हूँ कि आपको HCF निकालने आता है कि दो नंबर आपको गिवन है 210 और 55। हमेशा बड़ा नंबर अंदर रखते हैं, छोटा नंबर बाहर रखते हैं। हमने HCF निकाला, ठीक है। HCF निकालते हैं तो हमें पता है कि लास्ट जो डिजिट होता है हमारा, सॉरी लास्ट जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। जिसको HCF निकालना नहीं आता है जाकर के वीडियोस को देख लो, HCF निकालना सीख लो। तो हमने इसमें क्या किया, HCF निकाला, और एकदम याद रखो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको पहला स्टेप है कि HCF निकालना ही निकालना पड़ेगा, पहला स्टेप है। अब यहां पे आपको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं निकालना था, यहां पे क्या निकालना था, केवल y की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने देखा यहां पे HCF हमारा कितना है, 5 है, हमें पता है कि हमने एक इस फॉर्म में लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म में वैल्यू को हमने शो किया है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू जो है हमें इस तरीके से चीजें को लिखते हैं। तो यहां भी हमने क्या किया, डिवीजन के फॉर्म में भी करके इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो हमने कर दिया। तो इसका बस एक ही मतलब था कि हम किसी तरीके से HCF फाइंड आउट कर लें। क्यों HCF फाइंड आउट किया, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था कि इन दोनों नंबर का जो HCF है वो इसके बराबर है, उसी HCF को हमने इस फॉर्म में लिखा है। अगर वही सेम HCF को हम इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी HCF के इक्वल में है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के HCF के बराबर हमने इसको एक्सप्रेस किया था। जैसे मान लो कोई नंबर 10 हो, ठीक है, मैं इसके इक्वल में लिख सकता हूं कि मैं लिख दूं कि मैं 7 प्लस 3, 10 के फॉर्मेट में हमने क्या किया, 10 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। सेम वैसे यहां पर इसने क्या किया, 5 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब कहोगे यार क्या ये दोनों जो भी वैल्यू यहां पर तुम्हें दिख रही है, मतलब कि ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, यहां पर y की कुछ वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी ना इसको यहां पर जब पुट करोगे तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगी। अब देखने से लग रहा है कि y की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो कभी 5 होगा ही नहीं, मतलब कि यहां पर y की वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगी, और y की वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगी और नेगेटिव आएगी तो इसको कहीं ना कहीं माइनस कर देंगे और वैल्यू 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू निकालते हैं, ये सिंपल चीज़ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए, दो नंबर्स गिवन हो और उन दोनों का आपको क्या करे कि बता दे कि इन दोनों का जो HCF है वो इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म में होने के बाद तुमसे y की वैल्यू पूछ ले, या मान लो y की वैल्यू तुम दे दे x की वैल्यू पूछ ले, तो क्या करो इजिली उसका HCF निकाल के उसके इक्वल कर दोगे, और उसके बाद इसको क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। बस अब नंबर्स को इधर से उधर क्या करना है, ट्रांसफर करना, और कुछ नहीं करना है। तो नंबर्स को ट्रांसफर किया जाए, तो ट्रांसफर करते हैं। तो कैसे करोगे ट्रांसफर, देखो 55y को यहां पे छोड़ते हैं, पहले 55y को छोड़ दिया हमने, इज इक्वल टू 5। अब देखो 210 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 50 जा 0, फिर 51 जा 5, 52 जा 10, तो 5 minus 1050 हो गया। इतना क्लियर हो गया। नाउ 55y
इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करोगे देखो ये माइनस में कितना हो जाएगा 1045 हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू माइनस 1045 इज डिवाइडेड बाय 55, और 55 से इसको कट करोगे तो आंसर आपका 19 आएगा, 19 मीन्स माइनस 19 आएगा। और इसी को अब देख लो, यहाँ पर y की जगह माइनस 19 रखो, 55 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इससे क्या करो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर y की जो वैल्यू कितनी होगी, माइनस 19। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो मुश्किल से मान के चलो कि दो नंबर में आ जाएगा, बस दो नंबर भी ज़्यादा बता रहा हूँ, एक नंबर में आ सकता है ये, तो दो नंबर एक नंबर मान के चलो। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है लीनियर कॉम्बिनेशन में, जब आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई ना पूछे, सीधे बोले कि दो नंबर आपको गिवन है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, वो तुम्हें एक्सप्रेस करना है, तुम्हें बताना है कि यहाँ पर एक्स क्या आएगा, वाई क्या आएगा, एक्स और वाई दोनों मिसिंग होंगी वहाँ पर। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर सेकेंड समझ में आ गया तो थर्ड भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है दोनों का। तो चलें सेकेंड क्वेश्चन पर, कंप्यूटर को, सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है फिर से, तो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों को, तीनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लोगे ना, तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं भी इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्रीन पर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है, ये समझ लो। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते हैं, बुक में पढ़ा अलग दिख रहा है, टीचर ने पढ़ा है अलग समझ में आ रहा है, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया तो अलग ही टाइप का दिख रहा है वो। तो क्वेश्चन को पकड़ो जरा, क्वेश्चन को पढ़ो उसको बार बार। मैथमेटिक्स का चीज़ें जो क्या है ना, बच्चे पढ़ते नहीं, उनको लगता है सोल्यूशन है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से एकदम, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के नेचर को समझो एकदम। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237, तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नाउ एंड एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237, कह रहा है कि इनका एचसीएफ फाइंड आउट करो और उसको हमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करना है, किसके, इसके 81 एंड 237, ठीक, क्लियर हो यहाँ पर। अब मतलब यहाँ पे देखो 81 237 क्या है, 81 237 यहाँ पे दो कांस्टेंट नंबर है, मैंने बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में हम शो करते हैं, तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में इसको शो करना है तो यहाँ पर ए और बी क्या थे, कांस्टेंट नंबर। अब ए और बी इसमें से कोई भी हो सकता है, चाहे ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, ठीक है। नाउ अब इन्हीं नंबर्स के साथ कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई में आएंगे, जब हम इस नंबर का एचसीएफ निकाल करके उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम जब सेट करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो लास्ट में इन्हीं दो नंबर के साथ कुछ नंबर्स हम मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे, वही नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक्स एंड वाई हो जाएंगे, ठीक है। तो करें, शुरू करें, देखो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा भी है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 37, तो इसको हम लोग क्या करें, डिवीजन मेथड से करना तो करो ही तुम, ठीक है। और उसको हम जो लीनियर जो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा है उस मेथड में भी हम सेट करेंगे उसको, तो उस मेथड में पहले हम सेट कर लेंगे इसका एचसीएफ निकाल करके, तब उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम कैसे सेट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बड़े ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, अगर देख लोगे तो शायद तीसरा क्वेश्चन आपको बड़े जल्दी जल्दी देख लोगे, समझ में आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी देख लेते हैं इसको, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसका एचसीएफ लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ निकाल दिया, तो मैंने शुरुआत से ही कहा था कि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में एचसीएफ तो निकालना ही निकालना है, चाहे आपको डायरेक्टली इस मेथड से निकाल पाओ तो निकाल दो, अदरवाइज ऐसे आप एचसीएफ निकाल दो। ये एचसीएफ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको निकालने आना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकल रहा है। दो नंबर्स आपको गिवन है 81 237, तो बड़ा नंबर हमेशा बीच में रखते हैं, 81 छोटा है उसको बाहर रखेंगे, इसे डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। जब लास्ट में रिमाइंडर जीरो होता है तो हमारा उसी टाइम का जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। उसको हमने इस फॉर्म में शो कर दिया, यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में शो कर दिया इसको हमने, इस फॉर्म में जरूर शो कर देना क्योंकि इसी के हेल्प से हम आगे इस इसके एचसीएफ को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करने जा रहे हैं, क्लियर है ये। तो चलो एकदम ध्यान से देख लेना इसको, सबसे पहला जो स्टेप इसमें है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेप, देखो चार स्टेप यहां पे हुए हैं,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार स्टेप्स हैं। तो यहां पर हम रिमाइंडर को उठाते हैं, रिमाइंडर को उठाएंगे। रिमाइंडर किसको कैसे उठाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे जो लास्ट वाला स्टेप है इसको हम छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे, इसका काम नहीं है। इसके जस्ट ऊपर पहुंचेंगे हम। इसके ऊपर क्या दिख रहा है हमें, ये स्टेप दिख रहा है 75 = 6 × 12 + 3। तो हमें जो भी वैल्यू लिखनी है रिमाइंडर के इक्वल में लिखनी है। इसमें रिमाइंडर हमें पता है, रिमाइंडर क्या है इसमें, देखो ये किस फॉर्म में लिखा है, ऐसे लिखा हो ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब ये क्या है हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्या डिवाइजर है, ये सब के सब डिवाइजर है, ये क्या सब कोशेंट है, ये लास्ट वाले क्या रिमाइंडर्स हैं। तो हमें जो भी वैल्यू लिखनी ना रिमाइंडर के इक्वल में लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि लास्ट वाले स्टेप को छोड़ देना है, वहां से रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर यहाँ जीरो है। इसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप से हमें शुरू करना है। तो इसके जस्ट ऊपर क्या दिख रहा है हमें, थ्री दिख रहा है, तो थ्री के इक्वल में वैल्यू लिखनी है। तो हम लिखेंगे थ्री इज इक्वल टू, अब ये बताओ जरा यहाँ से थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री के इक्वल में अगर हमें वैल्यू लिखनी हो तो ये दोनों वैल्यू इधर से क्या हो जाएंगे, उधर ट्रांसफर होंगी, तो इधर वैल्यू प्लस में उधर जाएगी तो माइनस होगी। अब एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे जल्दबाजी में कोई भी चीज आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है। कब हम कैसे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको कॉमन लेंगे, उसका तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप सब कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि हमें जो वैल्यू को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करना है वहाँ 81 और 237 रहना ही रहना चाहिए। तो 81 और 237 के साथ तो एकदम भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये नहीं कि 81 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में आ गया तो मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 81 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी ना, गायब होगी नहीं होगी। मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 2 = 16, तो गलत हो गया ना, वैल्यू गलत नहीं होगी, मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे 81 गायब हो जाएगा। 81 को गायब नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है, ठीक है, किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देना है उसको। तो कब मल्टीप्लाई किसके साथ किसको करेंगे हम, तो यहाँ पर उस स्टेप्स को हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या किया, सबसे पहले रिमाइंडर लिखते हैं। तो रिमाइंडर के इक्वल में वैल्यू लिखनी है, तो रिमाइंडर के इक्वल पहले तो 75 है ही है, तो 75 को हम ऐसे लिख देते हैं 75। अब देखो, अब 6 × 12 को उधर भेजेंगे, मैंने कहा ना मल्टीप्लाई करके नहीं भेजेंगे, अभी ऐसे ही भेज दो सीधे। अगर 6 × 12 उधर जा रहा है तो इसका मतलब −6 × 12। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना कि ये इधर जा रहा है तो आप लिख इधर रहे हो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं ना है, बात वही है। देखो 3 जहां था वहीं पर ही अपने जगह पर 3 है, 75 क्या है 3 के उधर इक्वल में है, तो 3 के इधर इक्वल में हमने 75 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन भाग रहा है, ये इक्वल के उधर क्रॉस कर रहा है, इक्वल के उधर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, 75 के उधर जाए तो माइनस में ये 6 × 12 हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई। तो सबसे पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे नीचे वाले छोड़ के जस्ट उसके ऊपर वाले से। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे इसको क्लियर समझाना है, क्योंकि बहुत ही आसान भी चीज़ें हैं ये। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसको सॉल्व अभी नहीं करोगे, फिर जरा देखो इसमें कुछ रिमाइंडर दिख रहा है 75, 6 और 12 में, तो कहोगे सर 6 भी दिख रहा है 75 भी दिख रहा है। तो अभी हम 75 और 6 दोनों को एक साथ नहीं चेंज करेंगे, मैंने कहा ना बार बार हम किसको चेंज कर रहे हैं, रिमाइंडर को, रिमाइंडर के इक्वल में चीज़ें लिख रहे हैं हम लोग। तो एक ही साथ दोनों लिखने को लिख सकते हो, लेकिन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने यहाँ का काम कर लिया, यहाँ का काम खत्म हो गया हमारा, अब इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, अब 6 को चेंज करेंगे हम, 6 यहां पर है तो देखो कैसे चेंज करते हैं। यहां लिखोगे 3 इज इक्वल टू 75 जैसे वैसे रहने दो, क्लियर। यहां पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दो। अब 6 को जब चेंज कर रहे हो तुम्हें पता है यहां जब 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इज इक्वल टू मतलब ये पूरी वैल्यू उठ के किधर आ जाएगी, इधर आएगी 81 के साथ, ये पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी ना, 81 माइनस 75 इंटू 1, एग्जैक्ट 81 माइनस 75 इंटू 1 ऐसे लिख देंगे हमने, हमने ये 6 की वैल्यू लिख दी है, क्लियर इतना हो गया। अब लास्ट में जो यहां बचा हुआ था 6 तो लिख दिया, इंटू 12 बचा है ना, तो इंटू 12 यहां पर लिख दो। अब क्या करेंगे हम, लिखने को 75 को भी हम यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन अभी देख रहे हो 75 यहां भी है, यहां भी है, तो कितनी बार 75 को लिखोगे, तो 75 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 75 इज इक्वल टू 237 और ये दोनों उठ के इधर आएंगे −81 × 2 लिख सकते हो ना, लेकिन यहां पर देख रहे हो 75 दो बार दिया हुआ, दो दो बार लिखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आओ देखते हैं, एक एक स्टेप याद रखना कैसे मैं कर रहा हूं, उसी को तुम्हें फॉलो करना किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो अब इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करोगे, अब हम क्या करें, इस 12 का जो है, देखो 12 हमें नहीं चाहिए कहीं पर, कहीं 12 चाहिए हमें नहीं चाहिए,
12 को गैप करते हैं। कैसे गैप करेंगे, पहले देखो कैसे गैप करेंगे। इस 12 का मल्टीप्लाई एक बार 81 में कर दें और 12 का मल्टीप्लाई एक बार 75 में कर दें। 75 इंटू 1 कितना होगा, 75 ही होगा, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हमने क्या 12 का मल्टीप्लाई 81 में किया। अब ये बताओ, अगर मैं ब्रैकेट यहां पर ओपन कर दूं अभी के लिए, तो ये 81 प्लस में है, क्लियर है ना, इसके बाहर माइनस है, तो ये 81 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये माइनस में है 75, तो माइनस बाहर भी है, तो माइनस का मतलब माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, तो हमने क्या लिखा, 3 इज इक्वल टू 75। जब 12 का मल्टीप्लाई 81 में करें तो क्या होगा, माइनस 12 इंटू 81। देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में शो कर दे रहा हूं, बस 12 का हमने 81 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उस फॉर्म में शो कर दिया हमने। अब 12 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 75 में करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन भी हो चुका है, ब्रैकेट ओपन, इसका मतलब ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे, यहां पे साइन प्लस है, तो माइनस, ये वैल्यू देखो पूरी माइनस में आ गई कि नहीं आ गई, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, तो ये वाली वैल्यू 75 किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, मतलब 12 × 75, ये हो गया। आप कहोगे सर ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया हमने 75 को कॉमन लेने के लिए। अभी 75 यहां से कॉमन लेने बहुत प्रॉब्लम होती, लेकिन यहां से हम क्या करेंगे, देखो एक नंबर यहां पर है, एक नंबर ये है कि नहीं, इन दोनों में 75 दिख रहा हमें, तो 75 हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, क्योंकि 75 यहां पर हमारा रिमाइंडर है, 75 को भी हमें आखिरी में जाकर चेंज करना है, तो दो दो बार 75 तो प्रॉब्लम होगी ना, उसको एक बार कर लें। एक बार कैसे होगा, कोई नंबर एक बार कैसे होगा, जब हम इनमें से 75 को कॉमन ले लेंगे, तब 75 एक बार हो जाएगा। तो कॉमन कैसे लेते हैं, ये भी देखो, 3 इज इक्वल टू 75 कॉमन लिया है, अभी इसको छोड़ रहे हैं हम, इस वाली वैल्यू को, इसको और इसको देख रहे हैं, ठीक। तो हमने 75 जब कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां 75 पूरा पूरा बाहर आ गया, तो 1 बचेगा, 1 बचेगा नहीं बचेगा, जब पूरी वैल्यू बाहर जाती है तो वहां पे कौन बचता है, 1 बचता है, ठीक है, ये 1 बचा। 75 कॉमन लेने का मतलब होता है 75 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको 75 से डिवाइड किए तो 1 बचेगा, इसको 75 से डिवाइड करोगे तो 75 से कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा यहां पर, 12 बचा, तो 1 यहां पे साइन प्लस का है, तो 1 प्लस 12, और लास्ट में इधर क्या बच जाएगा, माइनस 12 इंटू 81, ये इधर बच गया लास्ट में। इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे भी चीजें बहुत इजी हैं, समझ में आ जाएंगी। अब इसको हम क्या कर लें, 3 इज इक्वल टू 75 इंटू 12 एंड 1 कितना हो जाएगा, यस एग्जैक्ट 13। नाउ माइनस 12 इंटू 81, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे हम, हमें तो शो करना था ना, क्या शो करना था, 81 एंड 237, तो 81 तो हमें दिख रहा है, 81 दिख रहा है, 237 नहीं दिख रहा है, तो 237 कहां से दिखेगा, जब हम 75 को चेंज करेंगे तब दिखेगा। तो 75 को चेंज किया जाए, तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू क्या होगा, 237, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ध्यान से देखना इसको, 237 माइनस 81 इंटू 2, समझ में आ रही बात, ये क्लियर समझ में आ रही चीजें। बस हमने क्या किया, 75 की जगह ये लिख दिया है, ये 13 यहां पर बचा हुआ है अभी, तो हमने क्या कर दिया, इस पूरी वैल्यू के मल्टीप्लाई में 13 था ना, तो इसको ब्रैकेट में कर लो और इंटू क्या कर दो यहां पर 13, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाउ अब इधर क्या बच रहा है, माइनस 12 इंटू 81, अब कुछ गड़बड़ क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ऐसी गलती कभी मत करना कि देखो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये नंबर इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है, और हमने देखो इसको पूरा का पूरा ब्रैकेट में क्यों लिया है, क्योंकि ये पूरी जो वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू ये 75 के इक्वल में है, तो 75 के साथ मल्टीप्लाई में 13 है, तो इसीलिए इस पूरी वैल्यू के, क्योंकि बीच में बहुत सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ गए हैं, तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया और इंटू क्या कर दिया, 13 कर दिया। अभी आपको टिपिकल लग रहा है, जब इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो करवा लो, प्रैक्टिस नहीं करते, इतने से क्लियर हो गए। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहां से इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे यहां पर हमने क्या किया था, ऊपर हमने क्या किया था, 12 का मल्टीप्लाई किया था ना, सेम वैसे यहां पर 13 का, क्योंकि 13 जरूरत अभी हमें नहीं है, तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो कैसे लिखो, 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13, मैंने पहले ही कहा था कि 81 और 237 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, अब गलती से अगर 13 का 237 मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिख दोगे
तो 237 तो गायब ही हो जाएगा ना, आपको तो उसकी वैल्यू चाहिए, तो गायब नहीं करना है। हमने क्या किया, देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में शो कर दिया यहाँ पर। अब माइनस है तो माइनस लगा दें। अब क्या हम 13 का मल्टीप्लाई किस में करें, 81 में करें या 2 में करें? देखो ये पूरी वैल्यू प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है ना। अगर मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा हो 2 × 3, ठीक है, मैं बोलूँ कि इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर क्या था 81 × 2, इसमें 13 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा तो नहीं करोगे 13 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में कर दोगे, तब तो गलत हो जाएगा। अगर इसका 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है, 2 का मल्टीप्लाई चाहे 2 में कर दो चाहे 3 में कर दो, वैल्यू सेम आएगी। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया, हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 2 × 3 = 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये चीज़ समझना है, यहाँ बीच में साइन प्लस का नहीं है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ भी हम 13 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, या 81 में या 2 में, किस में करें? तो हमें पता है कि 81 में ना करें, 81 में ना करें। क्यों ना करें? अगर 81 में करोगे, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे ये भी 81 है, यहाँ भी 81 कॉमन ले सकते हैं, और 81 हमें चाहिए। 81 कितनी बार चाहिए, एक बार चाहिए, लेकिन 81 दो बार दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हमने 75 को गायब किया था कॉमन लेके, वैसे यहाँ पर 81 को भी हम गायब करेंगे। तो पहले तो हम क्या करें, 13 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, यहाँ पर 81 लिख दिया ऐसे ही, इंटू 13 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, तो कितना हो गया ये 26 हो गया, 2 में कर दिया हमने। तो 2 में करने से कोई मतलब तो है नहीं, 2 तो कहीं हमें लाना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। -12 × 81 ये हो गया। अब देखो इसके साथ वाली वैल्यू मिल गई, इसको कोई छेड़ना ही नहीं है, 237 × 13 ये 3 = होगा। नाउ इसमें से मैंने बताया था ना कि इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब 81 चाहिए हमें, तो इन दोनों से क्या कॉमन ले लें हम लोग, -81 कॉमन ले लें, ले लेते हैं। -81 कॉमन हो गया, क्या बचा अंदर, 26 बचा इधर, और इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, 12 बचा। तो 26 + 12 समाधानी प्लस क्यों हो गया, क्योंकि हमने देखो माइनस भी कॉमन लिया है, 81 केवल कॉमन नहीं लिया है, हमने माइनस भी कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने का मतलब हो गया कि ये सारी वैल्यू जो नेगेटिव थी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। अब फटाफट लिख देते हैं कितना हो जाएगा, 237 × 13 - 81 × यहाँ पर इंटू, तो 26 में 13 को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 81 × 38। ये 3 = अब देखो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म ने शो कर दिया। देखो जरा लिखा हुआ ना ax - by। अब देखो कहोगे सर यहाँ पर माइनस कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने बताया था ना यहाँ पे प्लस के फॉर्म में शो करेंगे, तो प्लस के फॉर्म में अगर शो करना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इसको कैसे लिखेंगे, प्लस के फॉर्म में लेकर के जाना है। तो हमारी जो वैल्यू आई हुई वो आई 3 = 237 × 13 - 81 × 38। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 3 = ये तो एग्जैक्ट 237 × 13, 237 × 13 लिख दिया हमने। यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, अगर सर कैसे डायरेक्टली प्लस कर दिया, तो प्लस देखो कैसे किया हमने, यहाँ पे प्लस लिख के यहाँ पे 81 लिखा, जो 81 यहाँ पर लिखा हुआ था, इंटू 38 देखो प्लस में था, तो हमने लिखा इंटू -38। अब ये बताओ जरा, इसको मल्टीप्लाई करें हम या इसको मल्टीप्लाई करें, वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा? यहाँ भी 81 × 38 है, 81 × 38 है, यहाँ भी -×+ है, यहाँ भी -×+ है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू दोनों की सेम आएगी। जैसे मान लो कि 2 × -3 हो, तब भी आंसर कितना आ जाएगा -6, -2 × 3 हो, तब भी आंसर कितना होगा -6। मतलब ये देखो यहाँ पर -3 के साथ था, तब भी -6 आया, यहाँ पर -2 के साथ आ गया, तब भी आंसर -6 आया। तो बस ये लिखने का तरीका, क्योंकि हमें इस फॉर्म में शो करना था, तो हमने क्या किया, 237 और 81 के जो HCF को, HCF यही आया था, ये देखो सॉल्व किया गया है, 237 और 81 का HCF कितना आया, 3 आया। इसके HCF को इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया है, शो कर दिया। किस फॉर्म में, ax + by। देखो ये क्या हो गया, ax + by, मतलब कि x की वैल्यू है 13, y की वैल्यू है -38। ये हमने इसको क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहां पर शो कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया इसको,
तो इसकी इसी के साथ जस्ट नेक्स्ट एक जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपको पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना इसको, ये साइन समझ आ गया, साइन हमने क्यों चेंज किया, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू समझ आ गई, यहाँ पर हमने जो है इसी के एचसीएफ को अगर देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे ना 81 को माइनस 38 मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 3 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर यही तुम्हें करना है कि जो भी हमारा एचसीएफ है उन नंबर्स का, उसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम शो करेंगे। एग्जैक्ट क्लियर हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे और आप लोगों को इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है और ये एग्जाम में एग्जैक्ट आने वाला है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, बस क्वेश्चन चेंज है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज है। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो जरा आप लोग, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65.117, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65.117, इसका तुम्हें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m, 65m प्लस 117n। देखो एक्स वाई की जगह mn दे दिया, तो mn से देखे घबराने नहीं गए, अभी तो एक्स वाई था, mn कहां से आ गया, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ये भी देखो ए एक्स प्लस बी वाई वही है, बस एक्स वाई की जगह m और n लिख दिया गया है। अब यहां क्वेश्चन में देखो जरा, तुमसे ये नहीं कहा कि लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करो, नहीं ना बोला कहीं पर, लेकिन ये जो दिख रहा है तुम्हें इन दोनों का एचसीएफ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म कैसा फॉर्म है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का एक फॉर्म है ये। तो ये चीजें तुम्हें यार क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें तुम्हें जो है एचसीएफ गिवन नहीं था, दो नंबर्स दिए थे, उनको उनका जो एचसीएफ है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था और तुम्हें एक्स या वाई की वैल्यू पूछ रहा था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में दो नंबर तुम्हें गिवन थे सेकेंड क्वेश्चन में, उसमें तुम्हें कह रहा था कि उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो करो। यहाँ पर क्या किया, दो नंबर्स गिवन है, कह रहा है कि इस फॉर्म में शो करो। ये फॉर्म कैसा फॉर्म है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का ही फॉर्म है, इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाना कि यार ये कौन सा फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इसको देख के समझ जाना कि ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन का ही फॉर्म है, उसको उसी तरीके से हमें शो करना है, ठीक। अब इसको कैसे शो करोगे, यस एग्जैक्ट, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ मैं फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, लेते हैं। तो हमने एचसीएफ यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 65 का 117 का डिवीजन मेथड के थ्रू, उसको हमने इक्वल डिवीजन के फॉर्म में भी हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो इसको देख के आप समझ जा रहे हो कि ये क्या है, हमारा 13 हमारा इसका एचसीएफ है, इसी एचसीएफ को हमें इस फॉर्म में लास्ट में जाकर के शो करना है। अब यहाँ पर देखो तुम्हें इस फॉर्म में शो करने के लिए बोल रहा है और तुम्हें एम और एन की वैल्यू भी पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। तो ठीक है, तो हम इस फॉर्म में शो करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला करके, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू होगी, जो इसके साथ होगी वो एम होगी, इसके साथ जो होगी वो एन होगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि एम और एन लेकर के आ जाना कहीं से, ठीक है, एम एन तो बाद में आएगा, इसके साथ एग्जैक्ट कोई वैल्यू प्रोडक्ट में हमें शो कर देना है, वही वैल्यू एम या एन हो जाएगी। अब हमने इसको फॉर्म में, इस फॉर्म में भी शो कर दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे लास्ट वाली लाइन को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इस स्टेप को कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से क्यों स्टार्ट करते हैं, देखो हमें इसको इन दोनों के एचसीएफ को इस फॉर्म में शो करना है, एचसीएफ को शो करना है ना। तो ये देखो हमारा 13 क्या है, एचसीएफ ही तो है ना, लेकिन हमें दिमाग में क्या रखना है कि रिमाइंडर के इक्वल चीजों को लिखते हैं, और ये 13 यहां पे रिमाइंडर भी है, लेकिन यही 13 इस पूरे क्वेश्चन का एचसीएफ भी है। तो हमने 13 के इक्वल वैल्यू को लिखा, क्या लिखेंगे हम, 13 इज इक्वल, फिर वही चीज 13 को इधर छोड़ेंगे, ये सारी वैल्यू उधर जाएगी, कौन वैल्यू, ये दोनों उधर जाएंगे, तो उधर कौन है, पहले से ही 65 पहले से है, तो 65 माइनस 52 इंटू 1 उधर जाएगा, तो माइनस 52 इंटू 1, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखो यहां पे 65 52 इंटू 1, यहां पर अब हमारा इस स्टेप का काम खत्म हो गया। अब यहां 52 भी दिख रहा है, तो हमने क्या किया, 52 को भी यहीं पर क्या करें, काम इसका खत्म करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए 13 इज इक्वल टू 65 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग, कैसे करोगे, 52 लिखा हुआ है, 52 के इक्वल में वैल्यू कैसे लिखोगे, 52 के इक्वल में 117 माइनस 65 इंटू 1, 117 माइनस 65 इंटू 1, और बाहर भी इंटू 1 है, लिखना चाहो लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, इसको कैसे हो जाएगा, ये
13 इज इक्वल टू 65, ये जब ओपन करोगे तो माइनस 117, ये प्लस में जाएगा प्लस 65 इंटू 1, उस 1 का कोई मतलब नहीं है, इस 1 को भी हटा सकते हो, लेकिन इसलिए लिख रहा हूँ ना, इसका अभी जरूरत पड़ेगा हमें, कैसे जरूरत पड़ेगा बताता हूँ अभी मैं। देखो अब इन दोनों, देखो 65 कहीं कॉमन दिख रहा है, 65 के फॉर्म में शो करना है, लेकिन 65 एक ही बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये और ये पूरा टर्म, इसमें तो 65 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे करोगे, 13 इज इक्वल टू 65 कॉमन ले लेते हैं, तो 65 कॉमन अगर लोगे तो 65 कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड करोगे इधर क्या बचेगा, यहाँ पर 1, इधर प्लस प्लस 65, इधर भी कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, इधर भी 1 ही बचा ना, तो 1 प्लस 1, क्योंकि 65 करोगे कैंसिल, 1 बचेगा यहाँ पर, बचेगा बचेगा, अगर यहाँ पे नहीं भी रखते तब भी क्या करते हैं, 65 से कॉमन का मतलब 65 से डिवाइड कर रहे हो, 65 बन जा 65, तो ये 1 बचा, नाउ माइनस 117, अब ये दिक्कत होगा, 117 के बगल में कोई मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं अभी, नाउ 13 इज इक्वल टू 65, ये इंटू है तो इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस 117, ये हो गया। अब देखो 35 को हमने ए एक्स और इसके फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये 65m, ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया, यहां पर देखो क्या लिखा, 65m लिखा था ना, प्लस 117n करना था हमें, करना था यहां पर प्लस 117n, अब यहां कहोगे यार n के साथ कुछ दिख ही नहीं रहा, अरे नहीं दिख रहा है तो 2 तो लिख नहीं सकते, यहां पर वैल्यू चेंज आएगी, तो यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लिखे तो वैल्यू चेंज ना हो, इसके साथ मल्टीप्लाई में जीरो नहीं रह सकते, जीरो रखो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या रख सकते हैं यहां पर, इंटू 1 तो रख सकते हैं ना, इंटू 1 रख दिया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहां पर हमें दिख रहा है, अब तुम यहां से देख के कह सकते हो कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, लेकिन यहां पे साइन का मिस्टेक होगा, क्यों गलती होगी, यहां पर हमें साइन प्लस लेना है, तो अभी मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इसको लिखने का तरीका क्या है, 65m लिख रहे हो अगर यहां पर, ठीक है, m को अभी छोड़ दो अभी यहां पर, ठीक है, मैं साइन चेंज करना है अभी हमें, तो हमने क्या कर दिया, 65 इंटू 2, ये तो ठीक था, यहां पे प्लस चाहिए था हमें, तो प्लस कैसे होगा, ऐसे लिख दो प्लस, ऐसे तो प्लस होगा और क्या होगा, प्लस लिख दिया हमने, तो 117 इंटू, यस समझदार लोग समझ गए कि हमने 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 1 हमारा माइनस हो गया, अगर हम यहां पर माइनस लिखे या यहां पर माइनस लिखे कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है ना, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया अभी, तो हमने यहां पर माइनस में लिख दिया, अब यहां से देख लो तुम समझ जाओ, 65m है ये प्लस 117n है ये, अब कोई पूछे तुमसे कि बताओ m और n की वैल्यू क्या है, यहां पर देख के बता नहीं दोगे, m की जगह क्या लिखा हुआ है 2, n की जगह क्या लिखा हुआ माइनस 1, तो हमारी जो है m की वैल्यू हो गई 2 एंड n की वैल्यू हो गई माइनस 1, और तुमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में तुमने सो भी कर दिया, तो यही पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन था, कुछ भी नहीं था इसमें कि बहुत ज्यादा कोई तीसरा खान जैसा कुछ क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करना, इससे एक क्वेश्चन जरूर आने वाला इस बार, और एक ट्रेंड चलेगा आप इसका, क्योंकि बहुत जगहों पे मैंने इसको देखा है सैंपल क्वेश्चंस पेपर्स में सीबीएसई के, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, अब वीडियो जाती रहेगी, कोशिश करेंगे सभी लोग के साथ मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी, और आपको सिलेबस को ख़त्म भी करना है जल्दी से जल्दी, और आप लोग तैयारी करते रहिए, तब तक मिलते हैं, गुड बाय गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और रियल नंबर को आप अच्छे से तैयार करिए, और नए वीडियोज़ के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय गुड लक टाटा बाय बाय जय हिंद।